गुड इवनिंग वॉरियर्स, वेलकम टू लेट्स क्रैक डिफेंस एग्जाम्स बाय एन अकेडमी। आई एम रोहित ठाकुर एंड अगेन एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड लाइव सेशन ऑन साइंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो एस्पिरेंट स्टार्ट ज्वाइनिंग द क्लास, दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। प्लीज एक बार कमेंट करके मुझे बताइए कि मेरी आवाज आप लोगों तक क्लियर आ रही है और वीडियो क्लियर है या नहीं। प्लीज एक्नॉलेज एंड देन विल बी स्टार्टिंग द क्लास। जो मेरे साथ भाई पहली बार क्लास लगा रहे हो, माय नेम इज रोहित ठाकुर, आई एम अ वेरीफाइड प्लस डिफेंस एजुकेटर, बीइंग फ्रॉम डिफेंस बैकग्राउंड एंड क्लियरिंग सीडीएस 4 टाइम्स, आई विल बी गाइडिंग यू फॉर योर डिफेंस एग्जामिनेशन, सीडीएस, एफ कैट एंड सीएपीएफ। शिवाली वेलकम बैक, प्रतीक जय हिंद वेलकम बैक, टैंगो सियरा जय हिंद एवरीवन। चलो एवरीवन स्टार्ट ज्वाइनिंग दी क्लास। एक बार लिंक को जो है शेयर कर दीजिए, और जितने भी लोग चैनल पे पहली बार आए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके साथ साथ बेल आइकन को दबा दो सो दैट यू विल बी गेटिंग दी लेटेस्ट अपडेट अबाउट एवरी लाइव सेशन ऑन अनअकैडमी लेट्स क्रैक डिफेंस एग्जाम्स। टेलीग्राम पे अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो यू कैन ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम एज वेल, क्यू एंड ए अकेडमी, दिस इज द टेलीग्राम चैनल्स नेम। आप ज्वाइन कर सकते हो, वहां पर यू विल बी गेटिंग पीडीएफ स्टडी मटेरियल के साथ साथ आप जो है वहां पे डाउट भी मेरे से पूछ सकते हो। प्लीज एस्पिरेंट्स एक बार लिंक शेयर कर दो भाई टेलीग्राम ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, एंड आई वॉन्ट एवरी वन टू ज्वाइन दी क्लास। थैंक यू सो मच टैंगो सियरा। चले भाई रिपब्लिक डे ऑफर, अभी भी आप लोगों के पास 1 घंटे का टाइम है भाई, 27 तारीख तक जो है आप लोगों के लिए वैलिड है ये चीज। आरटीएच 10 जब आप यूज करेंगे तो आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलेगा, उसके साथ साथ बहुत ज्यादा बेनिफिट्स आप लोगों को मिलेंगे। जो 3 मंथ्स पैक है इट विल बी इनिशिएट एक्सटेंड होके आप लोगों के लिए 4 महीने का हो जाएगा। ठीक है, जय हिंद शिवाली। चलिए भाई जल्दी जल्दी आ जाइए एवरीवन, एक बार प्लीज टेलीग्राम पे लिंक शेयर कर दो एंड टेल एवरीवन टू ज्वाइन दी क्लास। मेगा मैराथन अंकुर विश्वकर्मा जय हिंद वेलकम वंस अगेन। प्लीज एवरीवन एक बार कमेंट करके बताइए, आई हैव रिस्टार्टेड द इंटरनेट कनेक्शन, इज इट वर्किंग, माय वॉइस इज कमिंग और नॉट। इज इट कमिंग और नॉट एवरीवन, प्लीज एक बार कमेंट करके बताइए एवरीवन, माय वॉइस इज कमिंग। चलिए विदाउट एनी डिले विल बी स्टार्टिंग विद द मॉक टेस्ट। ठीक है, चलिए एक बार लिंक को शेयर कर दो, विल बी स्टार्टिंग विद द मॉक टेस्ट। यू ऑल नो अबाउट दीज थिंग्स, यू कैन यूज माय रेफरल कोड दैट इज आरटीएच 10 जो है आप यूज कर सकते हैं, उसमें आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट और आज जो है आप लोगों को उसमें पूरे के पूरे जो ऑफर्स हैं वो मिल सकेंगे, सिर्फ यू हैव 40 मिनट्स लेफ्ट। चलिए पहला क्वेश्चन जो वी हैव इज, प्लीज एवरीवन एक बार रीशेयर कर दो लिंक एंड टेल एवरीवन टू ज्वाइन दी क्लास बिकॉज इट इज नाउ स्टार्टेड। व्हिच अमंग द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन प्लेज मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन एस्टैब्लिशिंग डॉर्मेंसी इन दी सीड्स। डॉर्मेंसी इन सीड्स में आपको बताना है कौन सा जो हार्मोन है इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल रोल। इथाइलीन, जिबरलिक एसिड्स, एब्सिसिक एसिड्स या फिर ऑक्सिन। जितने भी यहां पे साइंस के प्लस स्टूडेंट्स है एवरीवन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, तो आप लोगों का तो गलत बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। डॉर्मेंसी इन सीड्स में कौन सा जो है हार्मोन रोल प्ले करता है, चलिए भाई जल्दी जल्दी बताइए। डॉर्मेंसी, स्टार्ट कमेंटिंग व्हाट इज द राइट आंसर। प्रभात सक्षम, अंकुर नहीं, अंकुर, अंजू एब्सोल्यूटली राइट। बिल्कुल सही भाई, आपको ध्यान रखना है सी दैट इज एब्सेसिक एसिड प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एस्टैब्लिशिंग डॉर्मेंसी इन सीड्स। एब्सेसिक एसिड हैज बीन यूज्ड एंड फाउंड टू प्रेजेंट इन द मेटाजोन फ्रॉम स्पॉन्जेस अप टू द मैमल्स इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरोसिस,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी। सिरोसिस एक डिजीज है जो कि ह्यूमन बीइंग्स में किस ऑर्गन को डिफेक्ट करती है, अफेक्ट करती है बेसिकली, किडनी को, लिवर को, पैनक्रियास को या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन। सिरोसिस इज अ डिजीज दैट अफेक्ट्स विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गन्स, किडनी, लिवर, पैनक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन। चलिए एवरीवन स्टार्ट कमेंटिंग। नो आकांक्षा, सी ए सही आंसर नहीं है। सक्षम बिल्कुल, एब्सोल्यूटली राइट, वेरी गुड। ओनली वन राइट आंसर अंजू, बिल्कुल बी इज द राइट आंसर, बिल्कुल शिवाली, प्रभात एब्सोल्यूटली राइट। जल्दी जल्दी भाई एवरीवन पार्टिसिपेट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जल्दी जल्दी पार्टिसिपेट करिए भाई एवरीवन। बिल्कुल राइट, लिवर में जो है लिवर सिरोसिस होता है, जब ज्यादा अल्कोहल पीते हैं तब भी ये चीज होती है, तो आपको ध्यान रखना है। सिरोसिस इज अ लेट स्टेज ऑफ स्कैरिंग फाइब्रोसिस ऑफ द लिवर कॉज्ड बाय मेनी फॉर्म्स ऑफ लिवर डिजीजेस एंड कंडीशंस। हेपेटाइटिस एंड क्रॉनिक अल्कोहल अब्यूज आर द फ्रीक्वेंट कॉजेज। लिवर डैमेज कॉजेज बाई सिरोसिस कैन बी अनडन, कैन नॉट बी अनडन, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गन्स ओपन इन स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू पायरोलस। ये भी मैंने आपको बताया हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब मैं आपको डाइजेस्टिव सिस्टम करा रहा था, जितने भी एस्पिरेंट्स यहां से मेरे साथ जुड़े हुए हैं प्लस मेंबर्स, विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गन्स ओपन इन स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू पायरोलस। स्टमक, लिवर, पेनक्रियाज, ऑल ऑफ द अबव। चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए एवरीवन। पायरोलस स्फिंक्टर जिसको बेसिकली हम बोलते हैं स्पेसिफिकली। 11 बजे से क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है प्रभा। नो आकांक्षा, नो अंकुर, सक्षम वेरी गुड। यू आर ओनली 3 क्वेश्चंस लेट, नो वरीज प्रभा, कीप पार्टिसिपेटिंग, लास्ट में आई विल बी रिवाइजिंग एवरी क्वेश्चन। सक्षम ने सही आंसर दिया है भाई, वेरे शिवाली, शिवाली आंसर। ओनली वन राइट आंसर, बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्यूटली राइट। आपको ध्यान रखना है कि भाई कौन सा ऑर्गन जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन करता है, दैट इज योर स्टमक। पायरोलस स्फिंक्टर से जो है ये ओपन अप करता है। अंजू एब्सोल्यूटली राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखो भाई, पायरोलस इज द फादेस्ट पार्ट ऑफ द स्टमक दैट कनेक्ट्स टू द ड्यूओडेनम। इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, एंट्रम एंड पायरोलिक कैनल। द एंट्रम कनेक्ट्स द बॉडी ऑफ द स्टमक एंड पायरोलिक कनेक्ट्स। इज इट कमिंग नाउ, आवाज आ रही है भाई एवरीवन? आई थिंक देर इज अ नेटवर्क इशू, नेटवर्क इशू है यहाँ पे, बिकॉज इन हिमाचल क्लाइमेट इज नॉट गुड। चलो इसका बताइए एवरीवन। इंट्रोबियस वर्मिकुलारिस विच अफेक्ट्स द सीकम एंड वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स इज कॉमनली नोन एज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग क्लियरली डिस्क्राइब्स द सिल्वर फिश।
सीडीएस का पेट क्वेश्चन है ये भी आप लोगों के लिए। विच अमंग द फॉलोइंग क्लियरली डिस्क्राइब्स अ सिल्वर फिश। सिल्वर फिश बेसिकली है क्या? इनमें से फिश है एक विंगलेस इंसेक्ट है, एन आर्थ्रोपोड है, या फिर एक फ्रॉग है? चलिए ओनली 30 सेकेंड आई विल बी गिविंग यू ऑल, ज्यादा टाइम नहीं दूंगा। आई विल बी फिनिशिंग ऑल दिस क्वेश्चन फास्ट। बिल्कुल सही भाई, इट इज बेसिकली अ विंगलेस इंसेक्ट जो है वो आपका सिल्वर फिश होता है। ठीक है प्रतीक, प्रभात, एब्सोल्यूटली राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ मॉलस्क। मॉलस्क आपको बेसिकली बताना है इनमें से कौन सा जो है मॉलस्क फाइलम के अंदर आता है। कटल फिश, सिल्वर, डॉग फिश, या नन ऑफ द अबव? मॉलस्क के अंदर कौन सा आता है इनमें से? चलिए जल्दी जल्दी बताइए एवरीवन, व्हाट कम्स अंडर मॉलस्क? कटल फिश, सिल्वर फिश, डॉग फिश, या नन ऑफ द अबव? बिल्कुल सही भाई, कटल फिश आपको ध्यान रखना है, ये बेसिकली इट कम्स अंडर दी मॉलस्क। जो मॉलस्क होते हैं आपके, उसमें क्या होता है, दे हैव दी इनवर्टिबेट एनिमल्स, इनको हम बेसिकली बोला जाता है। इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ वर्टिब्रेट एनिमल्स आफ्टर दी अर्थ्रोपोडा। सक्षम, एब्सोल्यूटली राइट, बिल्कुल शिवाली ने भी सही आंसर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड इनमें से कौन सा नहीं है? मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड जो मैंने आपको बताया हुआ था, इनमें से आपको बताना है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट मोनोसेक्राइड। ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज, या फिर लैक्टोज? मोनोसेक्राइड कौन सा नहीं है? जल्दी जल्दी एवरीवन स्टार्ट कमेंटिंग। बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्यूटली राइट आकांक्षा, बिल्कुल सही। प्रभात एंड काजल ने भी सही आंसर दिया भाई। सुक्रोज जो है आपका मोनोसेक्राइड नहीं है। ठीक है, मोनोसेक्राइड ऐसा होता है जिनको सिंपलर फॉर्म में हम डिवाइड नहीं कर सकते, तो ग्लूकोज फ्रक्टोज जो है आपके मोनोसेक्राइड्स का एग्जाम्पल है। मोनोसेक्राइड्स आर दी सिंपल कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स दैट कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स ऑफ अदर कार्बोहाइड्रेट्स। ग्लूकोज फ्रक्टोज आर सिंपल एग्जाम्पल्स ऑफ मोनोसेक्राइड। एब्सोल्यूटली राइट शिवाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड ब्लड सेल्स इज इन, रेड ब्लड सेल इन कैप्ट इन डिस्टिल्ड वाटर, व्हाट इफ रेड ब्लड सेल्स आर कैप्ट इन डिस्टिल्ड वाटर? क्या चीज होगा, जल्दी जल्दी बताइए। डिस्टिल्ड वाटर में अगर हम रेड ब्लड सेल्स को रखेंगे तो व्हाट विल हैपन? श्रिंक एंड कोलैप्स, स्टिक टुगेदर, इंक्रीज इन वॉल्यूम एंड बर्स्ट, या फिर इट रिमेन्स सेम? रेड ब्लड सेल्स को अगर हम डिस्टिल्ड वाटर में रखेंगे तो व्हाट विल हैपन, जल्दी जल्दी बताइए एवरीवन। एट्थ का ए नहीं होगा,
चलिए भाई जल्दी जल्दी बताइए एवरीवन। रेड ब्लड सेल्स को इट इज केप्ट इन डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड का मतलब होता है बेसिकली प्योर, ठीक है, जैसे अल्कोहल आपकी बनती है। अखिल एब्सोल्यूटली राइट, वी हैव गॉट अ राइट आंसर। चलिए भाई जल्दी जल्दी बताइए एवरीवन। बिल्कुल, इंक्रीज इन वॉल्यूम एंड देन बर्स्ट, दैट इज एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल, प्योर वाटर बेसिकली। ड्यू टू ऑस्मोसिस वाटर वुड फ्लो इन टू दी सेल एंड दे वुड स्वेल एंड फाइनली बर्स्ट, दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग प्रूव दैट बैक्टीरिया डोंट ओरिजिनेट बाई स्पॉन्टेनियस जनरेशन। चलिए भाई जल्दी जल्दी बताइए क्या सही आंसर होगा इसका, किसने जो है बताया था। अमंग द फॉलोइंग प्रूव्ड दैट बैक्टीरिया डोंट ओरिजिनेट बाई स्पॉन्टेनियस जनरेशन, रेडी, पास्चर, हुक या फिर शील्डन। नाइन्थ क्वेश्चन, एवरीवन जल्दी जल्दी प्लीज पार्टिसिपेट करिए यार, मैक्सिमम पार्टिसिपेशन चाहिए। आप लोग एकदम ढीले पड़े हुए हो, डिनर कर लिया है, नींद आ रही है, ऐसे कैसे फिर फौजी बनोगे सबके सब। जितना ज्यादा पार्टिसिपेशन करोगे उतना ज्यादा जो है आप लोगों को पता लगेगा क्वेश्चंस का। वी हैव गॉट फाइनल, ओके अखिल, अंकुर नहीं अंकुर, आकांक्षा गुड। एस्पिरेंट्स प्लीज जल्दी जल्दी पार्टिसिपेट करिए। माई वॉइस इज कमिंग और नॉट, आवाज मेरी आ रही है सबको? बिल्कुल, माया ठाकुर वेलकम टू दी क्लास, गुड टू सी यू आफ्टर लॉन्ग। प्रभात बिल्कुल सही, नवनीत एग्जैक्टली, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है भाई, पास्चर इज द राइट आंसर, ठीक है। नवनीत ने सही आंसर दिया है, पास्चर प्रूव दैट बैक्टीरिया डोंट ओरिजिनेट बाय स्पॉन्टेनियस जनरेशन। लुई पास्चर इज रिनाउंड फॉर हिज डिस्कवरीज ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ वैक्सीनेशन, माइक्रोबियल फर्मेंटेशन एंड पास्चराइजेशन, ठीक है, दैट इज एब्सोल्यूटली राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग कॉजेज दम दम फीवर या फिर काला आजार जिसको बोलते हैं। आ गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, सीडीएस में बहुत बार पूछा जा चुका है ये। विच अमंग द फॉलोइंग कॉजेज दम दम फीवर और काला आजार, काला आजार या दम दम फीवर जो है बेसिकली इनमें से कौन कॉज करता है, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोन, वायरस। अखिल एब्सोल्यूटली राइट भाई, एस्पिरेंट्स व्हाई यू गाइस आर नॉट पार्टिसिपेटिंग, एवरीवन प्लीज पार्टिसिपेट। एब्सोल्यूटली राइट, बिल्कुल अंकुर बिल्कुल सही, कांक्षा वेलकम टू दी क्लास, गुडी, बिल्कुल भाई प्रोटोजोन जो है आपको ध्यान रखना है। कालाजार इज ऑल्सो नोन एज दम दम फीवर एंड विसेरल लिश्मानियसिस, इट इज कॉज्ड बाय द प्रोटोजोआ ऑफ लिश्मानिया जीनस, वेक्टर जो है इसका दैट इज सैंड फ्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फोर चैम्बर्ड हार्ट इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। चार चैम्बर्ड हार्ट आपको बताना है किस चीज में पाया जाता है, सिर्फ मैमल्स के अंदर, मैमल्स के अंदर और मछलियों के अंदर, मैमल्स के अंदर बर्ड्स के अंदर, या फिर मैमल्स के अंदर एंड एम्फीबियंस के अंदर। बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है ये, चलिए जल्दी जल्दी एवरीवन स्टार्ट कमेंटिंग।
मैमल एंड बर्ड्स, एब्सोल्यूटली राइट, बिल्कुल सक्षम बलबीर सिंह। आकांक्षा, प्रभात फिश में कब से फोर चैम्बर्ड हार्ट होने लग गया? नवनीत, बर्ड्स भी आपके जो एव्स भी जो है फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है। प्रभात एब्सोल्यूटली राइट, ठीक है। तो सी आपको ध्यान रखना है, दैट इज दी राइट आंसर। ठीक है, बेसिकली आपको क्या ध्यान रखना है भाई, आर्कोसॉर्स क्रोकोडाइल एंड बर्ड्स एंड मैमल्स शो कंप्लीट सेपरेशन। उनमें बेसिकली क्या होता है, आपको ध्यान रखना है ऑफ द हार्ट टू पंप्स फॉर टोटल नंबर ऑफ फोर हार्ट चैम्बर इनके पास रहता है। ह्यूमन मस्कोस्केलेटल सिस्टम, ह्यूमंस का जो मस्कोस्केलेटल सिस्टम है आपको बताना है। बेसिकली इट कंसिस्ट ऑफ किस किस चीज से जो है ह्यूमन मस्कोस्केलेटल सिस्टम जो है कंसिस्ट करता है। ह्यूमन स्केलेटन से, बोन्स अटैच टू दी अदर बोन्स विद जॉइंट, स्केलेटल मसल अटैच टू दी स्केलेटन बाई टेंडन्स। ह्यूमन मस्कोस्केलेटल सिस्टम के अंदर कौन कौन से है, ये तीन या फिर चारों के चारों? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए एस्पिरेंट्स, क्या सही आंसर होगा इसका? बिल्कुल सही, ऑल ऑफ दी अबव नवनीत, प्रतीक सक्षम, प्रभात आकांक्षा, बिल्कुल सही है ये। ह्यूमन मस्कोस्केलेटल सिस्टम के अंदर जो है ह्यूमन कंसिस्ट ऑफ ह्यूमन स्केलेटन, बोन्स अटैच टू अदर बोन्स विद जॉइंट्स एंड स्केलेटल मसल्स अटैच टू दी स्केलेटन्स बाई टेंडन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लोका विच इज द पोस्टीरियर ओपनिंग दैट सर्व्स एज दी ओनली ओपनिंग फॉर इंटेस्टिनल रिप्रोडक्टिव एंड यूरिनरी ट्रैक्ट इज बेसिकली प्रेजेंट। किसके अंदर ये जो है प्रेजेंट होता है आपको बताना है। एव्स के अंदर, एव्स एंड एम्फीबियंस के अंदर, एव्स एम्फीबियन एंड रेप्टाइल्स के अंदर, या फिर पाइसेस एव्स एंड एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स एज वेल। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए एस्पिरेंट, सही आंसर क्या होगा इसका? माया ठाकुर, आकांक्षा, बलबीर सिंह, नवनीत कौर, एब्सोल्यूटली राइट आंसर। बिल्कुल आपको ध्यान रखना है एव्स एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स जो है दैट इज दी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सक्षम बिल्कुल सही दिया है आपने भी। अगला क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू एट्रीब्यूट टू पोलर बेयर? इनमें से पोलर बेयर को जो है आपको बताना है क्या होता है। वो हर्बीवोरस होता है, ओमनीवोरस होता है, कार्निवोरस होता है, या फिर मार्सुपियल है वो? व्हेन वी टॉक अबाउट पोलर बेयर, चलिए जल्दी जल्दी बताइए कमेंट करके। एवरीवन, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू एट्रीब्यूट टू द पोलर बेयर? माया ठाकुर, अखिल, बलबीर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट वैक्सीन टू बी एवर डेवलप्ड? पहली वैक्सीन जो कभी डेवलप हुई है आपको बताना है इनमें से कौन सी है, कॉलरा, चिकन पॉक्स, रेबीज या टेटनस? दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए सही आंसर क्या होगा इसका।
Which among the following was the first ever vaccine to be developed? Balbir Singh, Saksham, Akanksha, Guddi, Akhil. सक्षम स्टक हो गया है क्या मेरा वीडियो या क्लियर है? शिवाली, माया ठाकुर, ठीक है बिल्कुल सही आंसर है स्मॉल पॉक्स. आपको ध्यान रखना दैट इज द राइट आंसर. स्मॉल पॉक्स वैक्सीन वाज द फर्स्ट वैक्सीन एवर टू बी डेवलप्ड. स्मॉल पॉक्स इज इन बेसिकली आपको क्या ध्यान रखना है भाई, स्मॉल पॉक्स जो है ये एक तरह से इन्फेक्शियस डिजीज है विच इज कॉज्ड बाय वन ऑफ द टू वेरिएंट्स ऑफ वेरियोला मेजर एंड वेरियोला माइनर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या. विच अमंग द फॉलोइंग इज ओनली इंटरनल ह्यूमन ऑर्गन विच कैन रीजनरेट? पेनक्रियाज, किडनी, लिवर या फिर स्प्लीन? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. कौन सा ऐसा ह्यूमन इंटरनल ऑर्गन है जो भाई रीजनरेट कर सकता है? प्रभात, अखिल, माया ठाकुर, बलबीर सिंह. दैट इज एब्सोल्यूटली राइट आंसर. आकांक्षा, शिवाली बिल्कुल सही, बिल्कुल राइट आंसर है. दैट इज सक्षम ने भी सही आंसर दिया है. गुड्डी, संकेत एंड नवनीत ने भी सही आंसर दिया. दैट इज राइट, लिवर इज द राइट आंसर. ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है भाई. कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. इट हैज बीन डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय द साइंटिस्ट दैट सर्टेन वाइन सच एज रेड वाइन पोजेस्ड हेल्थ बेनिफिट बिकॉज दे कंटेन एंटी ऑक्सीडेंट विच वर्क इन द बॉडी एज द फ्री रेडिकल स्कैवेंजर्स एंड स्लो द ऑक्सीडेशन प्रोसेस ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय कैप्चरिंग द फ्री रेडिकल्स. विच Among the following is the most common antioxidant found in the red wine. चले भाई अब सब आप लोग जो है health benefits सब बोलते हैं कि भाई red wine से health benefit होते हैं. क्यों होते हैं? कौन सा antioxidant जो है उसके अंदर ऐसा मौजूद होता है जिससे कि उसमें health benefits होते हैं? चलिए भाई जल्दी जल्दी बताइए. पॉलीफिनॉल. माया ठाकुर, प्रभात, अखिल, संकेत, आकांक्षा, सब वाइन पीने वाले लग रहे हैं मुझे, सबको पता है. वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही. एक गलत आंसर फिर भी आ गया. चलिए भाई ध्यान रखना है आपको. दैट इज पॉलीफिनॉल जो है दैट इज द राइट आंसर. द मोस्ट कॉमन एंड ऑक्सीडेंट फाउंड इन द रेड वाइन इज पॉलीफिनॉल. इट हैज बीन डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द साइंटिस्ट दैट सर्टेन वाइन सच एज रेड वाइन पोजेस्ड हेल्थ बेनिफिट because they contain antioxidant which work as the body free radical scavengers and slow oxidation of other molecules by capturing the free radicals. ठीक है बिल्कुल तभी तो सबने सही आंसर दिया है. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरा बिगैन द सेल्फ रेप्लीकेटिंग RNA molecules on earth? चले चलो I'm joking यार बिल्कुल. बेसिन एरा, निक्चेरियन एरा, अर्ली इम्ब्रियन, क्रिप्टिक एरा. चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए एस्पिरेंट सही आंसर क्या होगा इसका. संकेत, बलबीर सिंह, अखिल सिंह ठाकुर, माया ठाकुर, प्रभात, नो वरीज, संकेत बिल्कुल सही, बिल्कुल राइट आंसर है. दैट इज बेसिन एरा जो है सही है. बेसिन ग्रुप रेफर्स टू द 9 सब डिविजन्स ऑफ द लूनर प्री निक्टेरियन जियोलॉजिकल पीरियड. इट इज द सेकेंड एरा ऑफ हेडियन. पढ़ लिया मैंने शिवाली. इन बेसिन एरा बिगैन द सेल्फ रेप्लीकेटिंग RNA मॉलिक्यूल्स ऑन अर्थ. दैट इज एब्सोल्युटली राइट. एरा मतलब जो एक जैसे पहले वी हैड यू नो जिस टाइप से ह्यूमन बींग्स स्टार्ट हुए उन पूरी चीजों को जो है बेसिकली हम एरा बोलते हैं.
नो वरीज नो वरीज, वो दो क्वेश्चंस और रह गए, उसके बाद पूरे क्वेश्चंस हम नवनीत रिपीट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस फर्स्ट सक्सेसफुल वैक्सीनेशन वॉज डेवलप्ड, इट इज कॉज्ड बाई वेरियोला। अभी अभी हमने कराया ये क्वेश्चन, तो इसके बारे में पता ही होना चाहिए आपको, घुमा फिरा के दोबारा वही क्वेश्चन पूछ लिया है आपसे। काउ पॉक्स, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स या फिर पोलियो। बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर दिया है सबने, दैट इज एब्सोल्यूटली राइट, स्मॉल पॉक्स जो है आपका सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विच अमंग द फॉलोइंग इज फाउंड इन बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज में आपको बताना है इनमें से कौन सी चीज जो है मिलती है। ओनली आरएनए, ओनली डीएनए, बोथ आरएनए एंड डीएनए, ईदर आरएनए और डीएनए। ग्लास ईटर को भी ट्राई करना पड़ता है, समझा नहीं मैं, सक्षम ग्लास बैक्टीरियोफेज में आपको बताना है क्या चीज होती है, जल्दी जल्दी बताइए एवरीवन। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सक्षम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको ध्यान रखना है, दैट इज डी, इधर आरएनए और डीएनए, इधर आरएनए और डीएनए इज फाउंड इन द बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज व्हिच इज आल्सो इनफॉर्मली नोन एज द फेज, इज अ वायरस दैट अफेक्ट इन्फेक्ट एंड रेप्लिकेट्स विद इन द बैक्टीरिया एंड आर्किया। तो ये आपको ध्यान रखना, दैट इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, चलिए भाई, अब पूरे क्वेश्चंस मैं रिवाइज करूंगा, लेकिन आई वांट एवरी वन ऑफ यू टू बैक मुझे ना सबके आंसर्स चाहिए, पहला क्वेश्चन और सबके आंसर्स आना स्टार्ट हो जाने चाहिए। आई वॉन्ट टू सी कि किसने जो है कितना ध्यान से क्लास लगाया है, और अब 20 के 20 आप लोगों को सही आंसर करने हैं। बिल्कुल एवरीवन, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे ही सही आंसर आ जाएगा विल बी मूविंग अहेड। नेक्स्ट, स्टक है क्या वीडियो, इज इट स्टक? थ्री का एब्सोल्यूटली राइट, ए इज द राइट आंसर। फोर्थ का क्या था भाई, जल्दी जल्दी याद करो। फोर्थ का एवरीवन, बिल्कुल बिल्कुल सही। फिफ्थ का क्या था, फिफ्थ का एवरीवन, फिफ्थ का बताइए जल्दी जल्दी। फिफ्थ प्रतीक, एब्सोल्यूटली राइट, वेरी गुड। सिक्स्थ का, व्हाट वाज द आंसर ऑफ सिक्स्थ?
मॉलस्क वाले का जल्दी जल्दी एवरीवन सक्षम बिल्कुल सही, कटल फिश इज द राइट आंसर, बिल्कुल वेरी गुड सक्षम। अगला का क्या था, मोनोसेक्राइड इनमें से कौन सा नहीं है? बिल्कुल सही। अगला, रेड ब्लड सेल अगर हम डिस्टिल वाटर में रख लें तो व्हाट विल हैपन टू देम? रेड ब्लड सेल इफ केप्ट इन डिस्टिल्ड वाटर व्हाट विल हैपन टू देम? बिल्कुल सही, गुड। अगला, बैक्टीरिया डू नॉट ओरिजिनेट इन स्पॉन्टेनियस जनरेशन, किसने प्रूव किया था ये चीज? बिल्कुल सही, दमदम फीवर और काला आजार, बेसिकली इट इज कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज दम दम फीवर एंड काला आजार? जल्दी जल्दी एवरी वन, एब्सोल्यूटली राइट गुड्डी, बिल्कुल सही। फोर चैम्बर्ड हार्ट आपको बताना था किसमें है, किसके अंदर है, जल्दी जल्दी बताइए। बिल्कुल सही, सी इज राइट आंसर था। नेक्स्ट बताइए भाई, ह्यूमन मस्कोस्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? एब्सोल्यूटली राइट, बिल्कुल सी, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था क्लो का, आपको बताना है बेसिकली किसमें प्रेजेंट होता है। चलिए भाई जल्दी जल्दी बताइए कमेंट करके एवरीवन। एब्सोल्यूटली राइट, सी वॉज दी राइट आंसर। विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू एट्रीब्यूट टू पोलर बेयर? आपको बताना है इनमें से पोलर बेयर का ट्रू एट्रीब्यूट कौन सा है, हर्बीवोर, ओमनीवोर, कार्निवोर या फिर मार्सुपियल? जल्दी जल्दी बताइए भाई कमेंट करके। बिल्कुल सही, कार्निवोर इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट था क्वेश्चन, फर्स्ट एवर वैक्सीन जो डेवलप हुआ है उसको हम क्या बोलते, किस चीज के लिए बेसिकली वो डेवलप किया गया है, कॉलरा, स्मॉल पॉक्स, रेबीज या फिर टेटनस? जल्दी जल्दी एवरीवन, एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज द ओनली इंटरनल ह्यूमन बॉडी ह्यूमन ऑर्गन विच कैन रीजनरेट, जो रीजनरेट कर सकता है वो आपको बताना है इनमें से कौन सा जो है रीजनरेट कर सकता है। बिल्कुल सही, एब्सोल्यूटली राइट। नेक्स्ट का बताइए भाई, वाइन के अंदर कौन सा एंटॉक्सीडेंट होता है, क्या था सही आंसर, कैटशिन, टेट्रो डॉक्सिन, पॉलीफिनॉल या फिर टोकोफेरॉल?
राइट आंसर वॉज दी सी, एब्सोल्यूटली राइट सक्षम. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरा बिगेन द सेल्फ रेप्लीकेटिंग आरएनए, किस एरा में बेसिकली स्टार्ट हुआ था? बिल्कुल सही, बेसिन एरा इज द राइट आंसर. ठीक है, पहला सक्सेसफुल, ये हमने रिपीट ही करा है तो इसका स्मॉल पॉक्स सही आंसर है भाई. ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, बैक्टीरियोफेज में आपको बताना है क्या चीज प्रेजेंट होती है. एब्सोल्यूटली राइट. ठीक है, दैट इज दी राइट आंसर. गुड. डी 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 इज द राइट आंसर. लास्ट का जो था डी आंसर था, सी नहीं है. ठीक है, हाँ 20 का डी इज द राइट आंसर. सो स्टूडेंट्स, दिस वाज योर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो साइंस से आपके बनते हैं. रेगुलर सीरीज आपकी चलती रहेगी, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं हम रेगुलर डिस्कस करते रहेंगे, ज्योग्राफी की भी हम डिस्कस करते रहेंगे. उसके साथ साथ अगर आप लोगों ने अभी तक भाई अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो प्लीज टेक दी प्लस सब्सक्रिप्शन, उसमें यू विल बी गेटिंग मेनी बेनिफिट्स. अब तो आप लोगों के पास ओनली यू हैव 3 मिनट्स लेफ्ट. इफ यू गाइज वॉन्ट टू ज्वाइन दी प्लस सब्सक्रिप्शन एंड टेक दिस ऑफर. उसके साथ मैराथन जो है आपकी 29 को सुबह 10 बजे से आपकी मैराथन स्टार्ट हो जाएगी, तो उसको आपको लगाना ही लगाना है. बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मैराथन होगी आप लोगों के लिए ये. ठीक है, टेलीग्राम अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो यू कैन ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम एज वेल, Q&A अकेडमी एंड वाईफाई शौर्य आर्मी गवर्नमेंट, यू कैन ज्वाइन अस देयर. उसके साथ प्लस के अंदर जो आप लोगों को बेनिफिट मिलते हैं, लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस, के साथ साथ आइकॉनिक अगर आप लोग लेते हैं तो उसमें यू विल बी गेटिंग पर्सनल गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडलाइन, स्टडी मटेरियल, स्टडी प्लानर, एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड टू यू. यू कैन यूज माई रेफरल कोड दैट इज RTH10, जिसको यूज करने के लिए करने के बाद जो है आप लोगों के लिए बेसिकली डिस्काउंट मिल जाएगा आपको 10% का, विच इज अ यूनिवर्सल कोड एज वेल. ये हर जगह जो है एप्लीकेबल है आपका, SSC, बैंकिंग, रेलवेज, UPSC, स्टेट BCSC, हर जगह पर. ठीक है, UPSC के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हो, RTH10. थैंक यू सो मच एवरी वन. सक्षम ने डाउट क्या पूछा है, सर पैरा को पी ग्लास सीटर बोला जाता है एज दे हैव टू ड्रिंक वाइन. वाइन दैट इज नॉट वाइन, पहली चीज दैट इज, देखो दीज ऑल आर नो नॉट दैट मच कंपल्सरी नहीं है वो आप लोगों के लिए, इट टोटली डिपेंड्स. ठीक है सक्षम, एंड जिन्होंने भाई अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया प्लीज सेशन को लाइक जरूर कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिए, सो दैट एवरीवन दे कैन आल्सो वॉच दिस सेशन. लाइक जरूर करिए, और जिन्होंने अनअकैडमी पे मुझे अभी तक फॉलो नहीं किया है तो प्लीज अनअकैडमी पे मुझे जरूर फॉलो कर लीजिए एंड वॉच माई फ्री स्पेशल क्लासेस देयर एज वेल. उसके अलावा चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज नो सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू गेट द लेटेस्ट अपडेट अबाउट एवरी लाइव क्लास ऑन दिस चैनल. ठीक है, एनीवन हैविंग एनी डाउट यू गाइस कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन. चलिए भाई, नो डाउट्स. टेलीग्राम पे भी आप लोग जो है मेरे से डाउट पूछ सकते हैं भाई, टेलीग्राम पे इफ यू हैव ज्वाइंड टेलीग्राम. गुड नाइट एवरीवन, जय हिंद. आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी. चलिए बाय बाय एवरीवन.